वेल सो वो सब गाइस अपन व्लॉग्स बैक इन। भाई मेरे को आप लोगों ने इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिए, यूट्यूब पे कमेंट्स कर दिए और मेरे को इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ गए हैं ना। यस भी मेरा फ़ोन नंबर है वो हुआ है लीक, तो इसमें को देना पड़ा एक नया फ़ोन नंबर। तो इसी वजह से भाई मेरे को आज वीडियो बनानी पड़ रही है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के ऊपर कि भाई अपना ओपिनियन दो, अपना ओपिनियन दो। ऑल तो भाई मैं ये वीडियो बना नहीं रहा था, बट यस मैंने जैसा आप लोगों ने बोला भाई बनाओ, तो यस आज की वीडियो होने वाली है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वैसे कंटिन्यू करते हैं आज के इस वीडियो को कि भाई व्लॉग तो बोलूंगा नहीं, वीडियो ही है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, अपन व्लॉग्स बैक हियर। सो भाई मैं किसी को फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट नहीं कर रहा इस वाली वीडियो से, और मैं प्लीज़ ऑफेंड मत होना, मैं किसी को भी कुछ नहीं बोल रहा। दीज आर जस्ट माई ओपिनियन जो कि आपको बताऊंगा अपनी वीडियो के अंदर। सो या भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यार मुझे याद है कि 2016 में मैंने बनाई शुरू कर दी अपनी यूट्यूब की हरी वीडियोज़। मैंने लगभग बनाई थी 300 वीडियोज़ एक साल में, वो मैं करता था उनको रोज़ अपलोड। या आपने नहीं देखी जाएगी मेरी वीडियो देखने ना, रिएक्टिंग टू माई ओल्ड वीडियोज़ एंड वाइंस की, उसका जो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ कवर करते हैं आप आज की वीडियो। तो भाई जिन जिनको नहीं पता, मैं पहले बनाता था वाइंस और मैं बनाता था व्लॉग्स। तो मेरे को लगा था कि मैं ज़्यादा अच्छा जाऊँगा वाइंस के अंदर, बट नहीं भाई मेरे ज़्यादा चले थे व्लॉग्स, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी पहले मार्केट व्लॉग्स के ऊपर, तो वो चले थे मेरे मार्केट व्लॉग्स। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई चलो व्लॉग्स ही बनाएंगे। तो मेरे को याद है 2016 से 28 अक्टूबर 2017 मेरे को लगे थे, ऑलमोस्ट 2 साल 1.5 साल लगे थे मुझे। तो ऐसा देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि मेरे हो गए थे 5,000 सब्सक्राइबर्स 28 अक्टूबर 2017 को, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5-2 साल बाद मेरे हुए थे सब्सक्राइबर 5,000। बट अगर से बात करूँ मैं टिकटॉक की, तो मैंने लगभग बनाई थी 5-6 वीडियो टिकटॉक पे और मेरे हो गए थे फॉलोअर क्रॉस 5,000। आई गेस सिर्फ 2 हफ्ते में हो गए थे मेरे क्रॉस। तो भाई टिकटॉक पे जो रीच थी उस समय बहुत ज़्यादा हो गई थी। भाई टिकटॉक पे करना क्या था मैक्सिमम, भाई आपको कैमरा अपना फ़ोन उठाना था, वीडियो बनानी है, लिपसिंग करना है और आपको डालनी है अपनी वीडियो। और उससे मेरे 2 हफ्ते में हो गए 5,000 फॉलो क्रॉस। बट स्टिल भाई यूट्यूब पर लगती बहुत ज़्यादा मेहनत भाई, एडिटिंग अपलोडिंग, फिर सबसे मेन चीज़ है शूटिंग में आपको घर से बाहर निकलना है, पूरा एक वीडियो बना के लाना है। तो भाई वो था बहुत ज़्यादा एक मेन टास्क शुरू से। भाई यूट्यूब में को लगता था बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि भाई यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है ना भाई, इस पर आपको मिलती है क्रिएटिविटी। लाइक यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी मिलती है। लाइक यहाँ पे देख लो आपके पास टेक वीडियोज़ हैं, आपके पास अनबॉक्सिंग वीडियोज़ हैं, गेमिंग वीडियोज़ हैं। बट टिकटॉक पे क्या है भाई, सारा कुछ मिसलेनियस कंटेंट आपको हर मिलता है टिकटॉक के ऊपर, जो कि भाई काइंड ऑफ ठीक है, क्योंकि भाई लिपसिंग वगैरह जो है मेरे हिसाब से इट्स ओके, बट यार वो कुछ एजुकेशनल तो नहीं है। सब आपको देखना यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो कोई भी वीडियो वगैरह। तो लेट्स टेक एग्जांपल इन दिस थिंग, आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे लिखो हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, तो आपको मिलेंगी बहुत सारी वीडियोस। बट टिकटॉक पे यू कांट टाइप दिस थिंग, मतलब आपको सारी मिलती नहीं वीडियोज। लाइक आपको सारे मिलेंगे फनी कंटेंट्स वगैरह, काइंड ऑफ फनी कंटेंट्स, बट स्टिल व्हाट आई फील बट टिकटॉक पे बनाने में वो लगता है मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, क्योंकि मैं टिकटॉक पे कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करता, आपको सीधा बता रहा हूँ, जब शूट करता हूँ डाल देता हूँ टिकटॉक पे वीडियोज। एंड भाई व्हाट आई फील कि यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिविटी एंड अदर स्टफ। लाइक आपको वीडियो बनाइए गेमिंग के ऊपर डाल दो यूट्यूब पे, गेमिंग की वीडियो क्रिएटिविटी कुछ भी डाल दो, एजुकेशन वीडियोस डाल दो, एंड भाई यूट्यूब पे आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत अच्छी तरह से आपको फॉलो करती है, सब्सक्राइब करती है आपको, यार बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है। एंड भाई टिकटॉक पे क्या है, ठीक वीडियो है यार, देखो स्वाइप अप करते रहो, बस देखते रहो सारी वीडियोस देखते रहो। बट भाई मुझे आपको बता देता हूँ कि भाई टिकटॉक पे अभी तक मैंने सिर्फ डाली अपनी पुरानी वीडियोस दुबई की उठा करके, सुपर कार्स वगैरह की, लैम्बोस की, फरारी की, और उनकी वजह से मेरे आज हो चुके हैं टिकटॉक पे 74,000 फॉलोअर्स। जैसे भाई मेरे पापा का बर्थडे था परसों, तो पापा के जो केक कटिंग की वीडियोस मैं डालती थी टिकटॉक पे, और गेस व्हाट, उस पे व्यूज आए 1.5 मिलियन। टिकटॉक पे रीच तो है, बट जो कंटेंट है आपका वो आप कह सकते हैं कुछ भी मिसलेनियस वगैरह। यूट्यूब पे आपको मिलती है बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, यूट्यूब पे आपको मिलता है फुल सपोर्ट आपके सब्सक्राइबर्स वगैरह से। सो दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई लाइक अबाउट यूट्यूब। अंगज वन मोर थिंग, जब मैं यूट्यूब पे आया था 2016 में, तो मैंने देखा था बॉस के किड्स को करते हुए मेहनत, वो बनाते थे वीडियोज़ वगैरह इधर जाकर के उधर जाकर के, मैं सोचा कि भाई चलो मैं भी बनाता हूँ वीडियोज़ यूट्यूब पे। और गेस व्हाट भाई, आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स भाई, मेरे को आप सब लोग यहाँ पर लेकर आए इस मुकाम पे। सो यार थैंक यू गाइस, बहुत सारा सपोर्ट करा मेरे को आप लोगों ने। बट टिकटॉक इज़ ऑलवेज अ साइड थिंग फॉर मी, मैंने कभी भी टिकटॉक पे ज़्यादा मेहनत नहीं की, आपको सीधा बता देता हूँ मैं। ऑल्दो मैंने बताया टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोज़ मेहनत करते हो, बट स्टिल यार मैंने आज तक कभी टिकटॉक को अपना मेन चीज़ नहीं माना, मैंने यूट्यूब को अपना मेन चीज़ माना है। मुझे याद है कि 2016 में जब मैं करता था यूट्यूब अपना साझा, तो आपने मेरे को कहा था कि तू बना अपना अकाउंट म्यूजिकली पे, क्योंकि उस समय इसका नाम था म्यूजिकली। मैंने पापा को बोला भाई ये क्या चीज़ है, मेरे को उस पर कुछ अकाउंट नहीं बनाना, बट स्टिल मैं सोचा कि जब मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो मैं व्लॉग के साथ कर सकता हूँ अपना ये वाली चीज़ें भी। तो देख सकते हो आप सारी मेरी वीडियोस हैं टिकटॉक की, आप देख पा रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग साथ में, तो सारी मेरी अब डाल रखी है मैंने अपनी हरी दुबई की वीडियोस साथ, आप देख पा रहे हो लैम्बो की डाल रखी है, डेजर्ट सफारी की डाल रखी है, डाल रखी है मैंने बहुत सारे ड्रोन शॉट्स वगैरह। सो यस भाई, तो भाई अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो भाई आई विल ऑलवेज सपोर्ट यूट्यूब, एंड यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी, एंड भाई टिकटॉक इज़ ऑलवेज अ साइड प्लेटफॉर्म फॉर मी। मैंने टिकटॉक पे आज तक कभी भी फोकस नहीं करा, आपको दोबारा बता रहा हूँ, बट स्टिल
जो मुझे लगा मैंने अपनी वीडियो में बताया आपको ओपिनियंस अपने, तो भाई दीज वो माई ओपिनियंस ऑन दिस टॉपिक। बाकी यार कमेंट करो अपने ओपिनियंस इस चीज़ के ऊपर कि कौन सा आपको लगता है ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म। एंड भाई वन मोर थिंग, कि मैंने किसी को भी इस वीडियो से टारगेट नहीं करा है, प्लीज़ ऑफेंड मत होना, मैंने किसी को भी टारगेट नहीं करा इस वाली वीडियो से। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो मिल दिन भाई। बाकी भाई अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल YPM Vlogs को। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो मिल दिन, बाय।